हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फूड दर्शन में, और मैं हूं आपका दोस्त अमन। और मैं हूं अंकुल। तो आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही स्पेशल। तो ये स्पेशल क्यों होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे डिश में है चिकन बिरयानी, चिकन तंदूरी कबाब और चिकन बटर मसाला। तो ये कॉम्बो में हम लोगों ने आज ऑर्डर किया है, और ये कॉम्बो हम लोग को कितना में पड़ा है और हमने कहाँ से ऑर्डर किया है, ये सारे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना जरूर और कमेंट करके जरूर बताना कि तीनों में आपका सबसे फेवरेट कौन है। ऑफकोर्स आई नो कि वो बिरयानी होगा, तंदूरी कबाब फिर भी आप कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि जोमेटो से हमारा खाना आ गया, तो खाना को हम लोग करते हैं पेक साथ के सामने। तो ये है हमारा आज का खाना। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी एक और देखते हैं क्या है। आज पहली बार मैंने बहुत अच्छा अनबॉक्सिंग किया। थोड़ा पैकिंग उन्होंने अच्छे से नहीं किया है, पैकिंग का यहाँ पे इशू लगा है। कोई नहीं, देखते हैं खाना बट खाना कैसा है वो मेन इम्पोर्टेंट है। चलिए खाना तो अनबॉक्सिंग तो हमने कर लिया। बिरयानी, ये दो बिरयानी है हमारा, और हम लोगों ने कॉम्बो ऑर्डर किया था। तो जो पहला है कॉम्बो हम लोगों ने किया था ऑर्डर, वो है पहला कॉम्बो चिकन बिरयानी का एंड चिकन बटर मसाला है। और दूसरा कॉम्बो जो हम लोगों ने किया था उसमें चिकन बिरयानी है, उसके साथ में तंदूरी चिकन है, एक पीस तंदूरी चिकन। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग और प्लेट पर निकालते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग बिरयानी को खोलते हैं। तो ये है हमारा पहला।
ये चेस्ट पीस है बट फिर भी बहुत अच्छा हुआ है। गाइस तुम्हें तो जानो इन बंगाल आलू इन बिरयानी आलू इज हाउ मच इम्पोर्टेंट। तो चिकन में आलू बिरयानी में आलू है और ये आलू आलू नहीं होगा बिरयानी में तो बिरयानी बिरयानी नहीं रहेगा। नाउ गाइस टाइम फॉर टंगड़ी कबाब। तो बिरयानी का रिव्यू तो बहुत ही अच्छा रहा है तो अब मैं टंगड़ी खा के आपको बताता हूँ कि टंगड़ी का स्वाद कैसा है। बहुत जूसी है गाइस, बहुत ही जूसी है, बहुत अच्छा बना है टंगड़ी कबाब और इतने कम प्राइस में बहुत जस्टिफाइड प्राइस में आपको मिल रहा है चिकन बिरयानी के साथ में ये टंगड़ी कबाब और बहुत ही अच्छा है। बस इसमें एक चीज ही मुझे कमी लगी है कि इसमें जो ग्रीन चटनी होती है टंगड़ी कबाब के साथ में वो नहीं है और सलाद के नाम पे भी बस प्याज ही मुझे मिला है। थोड़ा सा सॉस वगैरह डालने से बहुत अच्छा लगता बट कोई बात नहीं। टंगड़ी कबाब गाइस बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही जूसी है एंड टेंडर है। क्या बोले बुक कर देता तो फेवरेट गाइस तो ट्राई तो बनता ही है भले ही तो ट्राई बनता है भाई लेकिन माय फेवरेट तो गाइस पूरा ट्राई मत करना ये बुक कर इसको जो तो सब खा जाता है। नाउ गाइस माय टाइम टू रिव्यू द बिरयानी तो देखते हैं कैसा है। मैंने अपना तो रिव्यू दे दिया बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा है गाइस लेकिन आपका अपना प्रेफरेंस होता है मुझे थोड़े मसालेदार बिरयानी जो होती है वो अच्छी लगती है। मेरी से हैदराबादी बिरयानी पसंद है कह सकते हैं आप जिसमें मसाला की थोड़ा कमी लगे स्पाइसी है अच्छा लेकिन जो एक मसालेदार बिरयानी होती है वैसी नहीं लग रही है मुझे लेकिन ये बिरयानी अच्छी है जो कोलकाता बिरयानी है वैसी टाइप की बिरयानी है लेकिन अगर मसाला बिरयानी होती तो मुझे ये और भी अच्छी लगती। साथ में मैं चिकन के साथ ट्राई करके देखता हूँ ये कैसी है। तो कितना बड़ा पीस चिकन का मिला है मैं बहुत जेलस हूँ क्योंकि मुझे चिकन का पीस छोटा ही मिला बड़ा ही मिला बट इससे ऐसा नहीं मिला। अपना तो ऊपर से ये सॉफ्ट भी बहुत हुआ है तो खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों बाकी एरिया में जो बिरयानी मिलती है कोलकाता छोड़कर वहाँ पे आलू नहीं होता है लेकिन कोलकाता बिरयानी का स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आलू रहता है तो जिस बिरयानी में आलू ना वो बिरयानी यहाँ के लोगों के लिए बिरयानी होती नहीं है। साथ में इसमें आलू भी दिया गया अच्छा है जिसका बट गाइस ये चीज मिसिंग हो रहा है मुझे अंडा मिसिंग है। टेस्ट अच्छा है तो जो मीठा टाइप का आलू था वैसा नहीं है एक अच्छा तो ये कुक किया गया है इसमें। हाँ सही बोला इसने इसमें अंडा मिसिंग है तो वो रहता तो बात ही कुछ और होता है। दोस्तों फिर ठीक है शाम के आज दोस्तों जब तक हम बिरयानी को एंजॉय करते हैं तब तक आप बिरयानी के नाम पे हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो को एंजॉय करें। हम लोगों ने कर लिया अपना खाना कंप्लीट तो आप जानते हैं कि फूड का ओवरऑल रिव्यू कैसा था तो कैसा लगा तुम्हें बिरयानी का कॉम्बो जो चिकन टंगड़ी कबाब के साथ आया। रिव्यू ऐसा है कि मुझे टंगड़ी बहुत ही अच्छा लगा टंगड़ी इसका बहुत ही अच्छा था बस जैसा कि मैंने बोला आपको पहले ही वीडियो में कि ग्रीन चटनी अगर देता तो बहुत ही अच्छा होता ग्रीन चटनी मिसिंग लगा। हाँ क्योंकि कबाब अगर आप खा रहे हो तो कबाब में ग्रीन चटनी जो देती है ना भाई वो बहुत मस्त दुबाकर कबाब में कबाब को चटनी में दुबाकर खाने में जो मजा आता है भाई वो एक अलग ही फीलिंग है। इवन हम लोग अगर वो देता तो अच्छा रहता। इवन हम लोग तो क्या करते हैं कि कबाब खत्म हो गया बट ग्रीन चटनी को ऐसे ही खा जाते हैं इतना अच्छा लगता है। और लेट्स कम टू बिरयानी बिरयानी भी मुझे बहुत अच्छा लगा स्पाइसी था मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली इसका रिव्यू हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो क्योंकि इसे हैदराबादी हल्का मसाला टाइप का बिरयानी पसंद है बट एज अ कलकत्ता बिरयानी जैसा होता है लेस मसाला बट बहुत ही स्मेल अच्छा लगा मुझे परफेक्ट था बिरयानी। हाँ बिरयानी अच्छा था ऐसा नहीं बोलूँगा खराब था अच्छा था लेकिन थोड़ा जो मसालेदार होती है थोड़ा एरोमा जो होता है वो और होता तो मुझे खासकर अच्छा लगता है। और दोस्तों देखो जो टेस्ट है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो इसे अलग पसंद हो सकता है मुझे अलग पसंद हो सकता है तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे अच्छा लगा मुझे भी ठीक लगा अच्छा था
और जो चिकन बटर मसाला है वो भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर ये चिकन बटर मसाला को आप नान वगैरह या पराठा के साथ खाते तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा ये मीठी ग्रेवी है, तो मीठा ग्रेवी मुझे लगता नहीं कि बिरयानी के साथ अच्छा कॉम्बो एक रहेगा। इसके साथ और भी कॉम्बो अवेलेबल है वहाँ पे, जैसे चिकन कसा और चिकन चाप, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। चिकन कसा आप ट्राई कर सकते हैं, वो थोड़ा स्पाइसी होता है, उसके साथ में मे बी बिरयानी का कॉम्बो अच्छा ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है हम लोग फिर से कवर करें कुछ नए और मजेदार वीडियोस खाने से, तो हमारे साथ चैनल पे बने रहे हम लोग। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त।